सत्या अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज की जो हमारी रिएक्शन वीडियो है वो सकलीन रिजवी सलामाहू की है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है नारा लगा के देख तेरे साथ है अली। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें वो कौन सी नारा के लिए बोला गया है। बिकॉज अगर हम वैसे बात करें तो हम हमेशा बोलते हैं कि किसी भी काम को करना है आप एक बार उसे करना तो स्टार्ट करो, बिकॉज वो रब, वो अल्लाह, वो अली, वो हमेशा आपके साथ में है। तो लेकिन इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या मेंशन किया है कि नारा लगा के देख तेरे पास है अली। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त जाया किए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, इस जश्न का आगाज भी नाते पाक से हुआ था और ये रसूलपुर है, इसलिए रसूल खुदा का जिक्र होना चाहिए। तो समाज फरमाइए, इसीलिए कि अली का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे। अली का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे। हमारे मुंह में हो ऐसी जुबा खुदा न करे। आमादा हो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जाना आपको गुरबान मिल गए। हैदरी अली का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे। हमारे मुंह में हो ऐसी जुबां खुदा न करे। कि कुछ लोग रसूल खुदा को हम जैसा कहते हैं और भी बहुत कुछ कहते हैं। अब शेर देखिएगा कि बुलबुल को फूल, शमा को परवाना चाहिए। बुलबुल को फूल, खासों से मिला फरमाएगा कि बुलबुल को फूल, शमा को परवाना चाहिए। हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। आमादा हो जाइए, आमादा हो जाइए। कि बुलबुल को फूल, शमा को परवाना चाहिए। हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए और जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए। बुलबुल को फूल, शमा को परवाना चाहिए। हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और जो भी करता है मेरे आका की बुराई, जो भी करता है मेरे आका की बुराई, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। देखिए, इधर तवज्जो जाइए, इधर आमादा हो जाइए, इधर तवज्जो जाइए। तस्वीर कायनात का आकाश है अली। तस्वीर कायनात का आकाश है अली। दिल को जगा दे वो एहसास है अली। तस्वीर कायनात का आकाश है अली। दिल को जगा दे वो एहसास है अली। ए बंदे मोमिन, तेरा दिल क्यों उदास है? ए बंदे मोमिन, तेरा दिल क्यों उदास है? अरे नारा लगा के देख तेरे पास है अली। के आला है कौन कौन और आली है कौन कौन। आला है कौन कौन और आली है कौन कौन। है दर के दर का देख सवाली है कौन कौन। आला है कौन कौन और आली है कौन कौन। है दर के दर का देख सवाली है कौन कौन। नारा लगा के देख तू है दर के नाम का। नारा लगा के देख तू है दर के नाम का। चेहरे बताएंगे कि हलाली है। अजीब कैफ है इश्क अली की मस्ती है। अजीब कैफ है इश्क अली की मस्ती है। मेरे जमीर की बस्ती इसी में बसती है। अजीब कैफ है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जाना पे कुर्बान। अजीब कैफ है इश्क अली की मस्ती है। मेरे जमीर की बस्ती इसी में बस्ती है। और ये मेरी जिद नहीं, हुक्म मुस्तफा है। देखिए, चौथे मिसे पे खास तवज्जो, यहाँ से लेके आखिरी आदमी तक चौथे मिसे पे खास तवज्जो फरमाएगा। अजीब कैफ है पूरा मजमा, पैरों के तले खड़ों पे दाद देना चाहिए। और पूरी मस्जिद में, पूरी
मस्जिद मीनारों की आवाज गूंजनी चाहिए, यहाँ से चौथे आसमान तक, चौथे आसमान से सातवें आसमान तक, पूरे पूरे जहान मीनारों की आवाज गूंजना चाहिए। क्या अजीब कैफ है इस शेर पे, अजीब कैफ है, इश्क़े अली की मस्ती है, मेरे ज़मीर की बस्ती इसी में बसती है, और ये मेरी जिद नहीं हुक्म मुस्तफ़ा है, ये मेरी जिद नहीं हुक्म मुस्तफ़ा है, अली नहीं तो इबादत भी बुत परस्ती है। वाकई बहुत खूबसूरत शायरी है, और इस एज में इस तरह से अपनी शायरी को डिलीवर करना या किसी भी स्पीच को इस तरीके से डिलीवर करना इज़ लाइक आई एम टोटली स्पीचलेस, एंड द अग्रेशन ही हैज़ इन हिज वॉइस मेक्स एवरीवन स्पीचलेस, बिकॉज एक छोटा सा बच्चा इतने अपनी उम्र से ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल एज के लोग बैठे होंगे उनके सामने, जिनके सामने उन्होंने ये शायरी पेश की, और जिस अग्रेशन से वो बोल रहे थे ना, उससे पता चलता था कि उनका जो जज्बा अली के लिए है, जो प्यार है, और जो उनमें प्राउडनेस है ना कि मैं अली को फॉलो करता हूँ, तो वो साफ रिफ्लेक्ट हो रहा था, और मतलब पूरा फुल कॉन्फिडेंट था वो बच्चा, कि बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हो रहा था कि मैं किसी के सामने बोल रहा हूँ इतनी सारी पब्लिक के सामने। बीच बीच में वो सबसे रिक्वेस्ट भी करता था कि अप्रिशिएट करो, तो दैट मेक्स इट सो क्यूट कि मतलब एक बच्चा इतना जो कॉन्फिडेंट भी है और मतलब अपनी जो शायरी है वो पेश कर रहा है सबके सामने, बट बीच बीच में उसे ये भी था कि हाँ मुझे इन सब की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो बीच बीच में वो सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी कर रहा था, जिससे उसकी क्यूटनेस भी मीन्स कहते हैं ना कि रिफ्लेक्ट हो रही थी कि हाँ कितना क्यूट सा बच्चा है, तो मुझे मतलब बहुत ही प्यारा लगा। और जो लास्ट वाला उनका शेर था जिसमें उन्होंने बोला था ये मेरी जिद नहीं हुक्मे मुस्तफ़ा है, अगर अली नहीं तो इबादत भी बुत परस्ती है, तो ये तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा था। इसमें सिंपल वो यही कहना चाह रहे थे कि मतलब अगर आपके दिल में अली नहीं है तो आप वैसे ही अगर इबादत भी कर रहे हो तो आपकी इबादत कुछ नहीं, उसको भी आप यही कह सकते हो कि बस आप एक ऐसे ही एक किसी बुत को मान रहे हो जिसका कोई वजूद नहीं है, तो इसीलिए उस रब का आपके दिल में होना, उसके ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी इबादत भी कंसिडर होगी, अदरवाइज आपकी बुत ऐसे है कि आप मतलब कोई इबादत ही नहीं हुई, बस आप ऐसी बुत प्रस्ती कर रहे हो उस बुत की जिससे जो कुछ सुनेगा नहीं आपकी, तो उस रब का होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो रब नहीं तो आप कुछ भी इबादत कर लो, कुछ भी प्रे कर लो, उसको सुनने वाला ही कोई नहीं है। तो बहुत ही अच्छा सा मतलब बहुत ही अच्छी लगी मुझे इनकी शायरी पर्सनली, और आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, बाय बाय।